फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिफोर को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। शुरुआत बिफोर बहुत ही बेसिक और यूजफुल कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, आपको पता है, मुझे मालूम है कि आप इसको जानते हैं, इसका अर्थ होता है पहले। लेकिन किस पहले, किस सेंस में यूज होना है पहले का, आइए हम देखते हैं। बहुत ही यूजफुल और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम पहले के अर्थ में ही इसको यूज करते हैं। से पहले, देखें थोड़ा सा आप ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट डॉट। फ्रेंड्स, अल्फाबेट का क्रम है, आपने इसको पढ़ा है, ए बी सी डी ई एफ। मैं इसी क्रम में आपको जोड़ता हूं। अगर मैं कहूं कि सी डी के पहले आता है, फ्रेंड्स यही क्रम है पहले, वो मेरे पहले कोचिंग में पहुंचा, प्रिंसिपल साहब मेरे स्कूल पहुंचने के पहले पहुंचे, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में पहले के लिए भी हम, यदि यदि अल्फाबेट क्रम देख रहे हैं आप ए टू जेड, यदि मैं कहूं सी डी के पहले आता है, ई एफ के पहले आता है, सॉरी सी, हाँ जी, सी डी के पहले आता है, ई एफ के पहले आता है, तो फ्रेंड्स इस ढंग से हम यहां पर पहले के लिए यूज करेंगे। सी किसके पहले आया, बी के बाद आ रहा है सी, और डी के पहले। चलिए मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। उदाहरण आप लिखें, सी डी के पहले आता है, तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, सी आता है कम्स बिफोर डी। फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी हो सकता है, सी डी मैंने तो अल्फाबेटली एक बहुत रेगुलर और बेसिक यूज में कह दिया। हरी मोहन से पहले आता है, सीता किरण से पहले आती है, अध्यापक चपरासी के पहले आते हैं या चपरासी अध्यापक के पहले पहुंचते हैं। तो इस कंडीशन में पहले की बात जब भी हो तो हम इस ढंग की सिचुएशन बनाएंगे। ज्यादा मैं वक्त नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं एक एग्जाम्पल आप दे रहा हूँ, आप इससे अनेक तैयार कीजिए। अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स को आप जब बोलने की सिचुएशन में आए तो आप यूज करें और उसको अधिक से अधिक लिखिए, बोलिए और एक्सरसाइज करें। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपको बराबर इस बात पर केयर करने के लिए अटेंटिव किया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। जितने अधिक आप, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एक से आप अनेक तैयार कीजिए। बोलने की सिचुएशन बने तो आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, एज मच एज यू कुड, इफ यू डू सो सर्टेनली यू विल गेन मोर बेनिफिट। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, ये पहले का यूज है। एक लीजिए, इसी तरह से अगर फ्रेंड्स मैं कहूं जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं कहूं फरवरी मार्च के पहले आती है, फरवरी कम्स बिफोर मार्च, वो मार्च के पहले आती है, तो इस ढंग से पहले के कॉन्सेप्ट को हम आप तक पहुंचाएंगे। और फ्रेंड्स ये पहले में आपने पढ़ा है, उसको बताना क्या है, लेकिन फिर भी टॉपिक चल रहा है इसलिए चर्चा कर ही देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसका यूज होता है। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, इसको मैंने पिछले लेक्चर में, क्लास में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको जरूर पढ़ा है, आपको आता है, फिर भी थोड़ा सा मैं चर्चा किए देता हूँ। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, फ्रेंड से पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट में जो पहले आता है वहां भी हम बिफोर का यूज करते हैं। देखिए, द डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड, वर्ड फोकस कीजिएगा, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए फ्रेंड्स यहां बिफोर आ गया, बिफोर द डॉक्टर केम, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, यह आप होमवर्क बनाइएगा। प्रिंसिपल के आने के पहले सभी अध्यापक प्रार्थना स्थल में मौजूद थे,
फ्रेंडली ढंग से आप सिचुएशन पहले के लिए आप इसका यूज करेंगे। और दूसरा सेकंड यूज इसका है फ्रेंड्स, के सामने के अर्थ में, के सामने, जैसे वह मेरे सामने है, हिंदी आप लिखिए वह वह मेरे सामने है। तो फ्रेंड्स वह मेरे सामने है, माने वह मेरे सामने है, माने हम आमने सामने है। तो इस कंडीशन में आमने सामने, वह मेरे सामने है माने मैं उसको देख रहा हूं। तो यहां पर इसके सामने चलिए भी हम क्या करेंगे, ही इज बिफोर मी, सीता राम के सामने है। देखिए सीता राम के सामने है, फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, सीता इज बिफोर राम। देखिए अध्यापक के सामने छात्र पढ़ रहे हैं, अध्यापक के सामने, हिंदी आप नोट करें, अध्यापक के सामने छात्र पढ़ रहे हैं, के सामने की चर्चा हो रही है इसलिए हम लिखते हैं तो अध्यापक के सामने छात्र पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स के सामने का भाव आ रहा है छात्र पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग बिफोर आवर टीचर, स्टूडेंट्स आर रीडिंग बिफोर द टीचर। सब तेरा क्या आप देख रहे हैं ना, के सामने के अर्थ में बिफोर का यूज किया गया, वह मेरे सामने है, तुम उसके सामने हो, सरकार के सामने बहुत चुनौतियां हैं, देर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट, सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं। तो फ्रेंड्स इस ढंग से के सामने के अर्थ भी बिफोर का यूज होता है। मैं थोड़ा सा यही आपको एक बात पुनः याद दिलाता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने एगो और बिफोर में डिफरेंस दिया है, फ्रेंड्स बहुत डिटेल में मैंने एगो का यूज कहाँ होगा और बिफोर का यूज कहाँ होगा, दोनों का पहले ही होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर बिफोर के मैंने सारे डिटेल्स, सारे यूज डिटेल में हमने दिया का प्रयास किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, एगो और बिफोर में जहाँ डिफरेंस बताया गया है, यहाँ पर बिफोर का बेसिक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरल यूज उसका इन शब्दों में के सामने होता है। चाहेंगे कि आप दोनों वीडियो को देखें, कहीं अगर कंफ्यूजिंग पॉइंट हो तो उसको शेयर करें, साथ ही साथ सॉरी कंफ्यूजिंग पॉइंट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें, और कॉन्सेप्ट कंफर्म होने के बाद शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक वीडियो का उपयोग हो ताकि आपके साथ सही साथ आपके मित्र भी अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। फ्रेंड्स बस ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और पिछले एगो और बिफोर के डिफरेंस हमने डिटेल दिया, उसको आप जरूर देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लेसन में नए प्लान के साथ। थैंक्स।